दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल एक यार टेक्निकल दोस्त पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे दिल्ली सरकार को ऑनलाइन शिकायत कैसे करें तथा शिकायत की स्थिति कैसे देखें। इसके लिए सबसे पहले चलना है किसी भी एक ब्राउजर पर। ब्राउजर को ओपन कर लिया है और टाइप करना है PGMS दिल्ली और सर्च। दोस्तों, सबसे पहला ही लिंक मिल रहा है PGMS ये वाली साइट, इस पर हमें क्लिक कर देना है। दोस्तों, पेज शो हो गया है पब्लिक ग्रीवेंस मॉनिटरिंग सिस्टम और ये दिल्ली सरकार का पेज शो हो गया है ग्रीवेंस पोर्टल। और यहाँ पर सबसे पहले लिंक है लॉज योर ग्रीवेंस, तो यहाँ से आपको अपनी शिकायत को दर्ज करना है। इस पर हमने क्लिक कर दिया, लॉज योर ग्रीवेंस का पेज शो हो गया है। और यहाँ पर सबसे पहले आपको जो डिस्क्रिप्शन है, शिकायत का विवरण है, वो आपको यहाँ पर लिखना है। तो इसमें आपको कोई भी स्पेशल कैरेक्टर यूज नहीं करना है, 2000 कैरेक्टर्स में आप लिख सकते हैं अधिकतम। और ठीक है, तो आप इसमें हिंदी या इंग्लिश जिसमें भी आप लिखना चाहते हैं उसमें लिख सकते हैं। हिंदी में टाइप करने के लिए आप हिंदी संरचना या फिर गूगल इनपुट हिंदी टूल का यूज़ कर सकते हैं। चलिए, इसके नीचे अपलोड डॉक्यूमेंट इफ़ रिक्वायर्ड, यदि इसके साथ कोई आप डॉक्यूमेंट इसके साथ लगाना चाहते हैं, अटैच करना चाहते हैं, तो वो आप यहाँ से अटैच भी कर सकते हैं। तो आपको जो भी आपकी कंप्यूटर फाइल पड़ी है, PDF है, JPG है या JPEG है, जिस भी फॉर्मेट में है उसको आपको सेलेक्ट करना है और यहाँ पर अपलोड कर देना है। तो यहाँ पर लिखा है द डॉक्यूमेंट साइज शुड बी नॉट बी ग्रेटर देन 2 MB, तो 2 MB से अधिक नहीं होना चाहिए एंड शुड बी इन PDF, JPEG और JPG फॉर्मेट। तो ये फॉर्मेट मिलते हैं आपको। साथ में यहाँ पर एक छोटा सा लिंक भी मिल रहा है, एक अच्छा लिंक है, तो वह है कि अगर आपकी PDF का साइज बड़ा है तो आप उसको रिड्यूस भी कर सकते हैं, घटा सकते हैं, क्लिक हियर, यहाँ पर क्लिक करके। इसके बाद डिपार्टमेंट कंसर्न, तो सबसे पहले आपको जो डिपार्टमेंट है, जिस विभाग को आप शिकायत कर रहे हैं, उसको आपको यहाँ से सेलेक्ट करना होता है। तो जैसे यहाँ पर दिल्ली जल बोर्ड, दिल्ली पुलिस, ठीक है, इस टाइप से जितने भी विभाग हैं वे सब यहाँ पर शो हो रहे हैं। तो जो भी आपकी शिकायत है वो किसी न किसी विभाग से तो संबंधित होगी ही, तो उस विभाग को आपको यहाँ से सेलेक्ट करना है। यहाँ पर बहुत सारे विभाग दिए गए हैं, चलिए हम यहाँ पर ये वाला विभाग सेलेक्ट कर लेते हैं। दोस्तों, इसके नीचे मिलता है आपको लोकेलिटी ऑफ द ग्रीवेंस, यानी कि जो ग्रीवेंस है, आपकी शिकायत है, वो किसी न किसी क्षेत्र से संबंधित है, उसका स्थल वो, तो वो आपको यहाँ से सेलेक्ट करना है। तो यहाँ पर बहुत सारी जगहें दी गई हैं, तो उनमें से आपको जो भी सही है वो आपको सेलेक्ट कर लेना है। इसके बाद नीचे है ग्रीवेंस साइट एड्रेस, यहाँ पर दोस्तों आपको जो ग्रीवेंस साइट है वो उसका पूरा का पूरा एड्रेस देना है। यानी कि जैसे आपने ऊपर तो आचार्य निकेतन को सेलेक्ट कर लिया, लेकिन आचार्य निकेतन में कहाँ कहाँ है, तो वो पूरा का पूरा एड्रेस आपको यहाँ पर फिल कर देना है। इसके बाद योर डिटेल्स, यानी जो शिकायतकर्ता है उसकी डिटेल्स यहाँ पर फिल होनी है। तो सबसे पहले नेम, शिकायतकर्ता का नाम, उसके बाद नीचे मोबाइल नंबर, फिर ईमेल आईडी यदि हो तो, फिर इसके बाद पिन कोड और सबसे लास्ट में कंप्लेनेंट एड्रेस, जो शिकायत करता है उसका पता आपको डालना है। तो यहाँ पर आप सेम एज ग्रीवेंस साइट एड्रेस भी डाल सकते हैं और अदर भी, यानी कि जो ग्रीवेंस साइट एड्रेस है वही है, तो सेम एज ग्रीवेंस एड्रेस या फिर अदर है तो अदर पर क्लिक करना है। अदर पर जब आप क्लिक करेंगे तो दोस्तों आपको एड्रेस भरने के लिए एक विकल्प मिलेगा, एक कॉलम मिलेगा, उसमें आप अपना एड्रेस फिल कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद नीचे है योर लोकेलिटी, फिर आपको लोकेलिटी भी आपको सर्च करनी होगी, जो भी है आपको उसको सेलेक्ट करना होगा। और इसके बाद नीचे विजुअल इमेज है, जो कि आपको कैप्चर मिलता है, वो आपको नीचे वाले कॉलम में फिल कर देना है और उसके बाद सबमिट बटन पर क्लिक कर देना है। दोस्तों, सबमिट बटन पर क्लिक करने पर आपको एक ग्रीवेंस आईडी मिलेगी, ग्रीवेंस नंबर मिलेगा, उस नंबर के माध्यम से आप अपनी ग्रीवेंस का स्टेटस चेक कर सकते हैं। तो हम दिखा देते हैं कैसे चेक करना है। वी स्टेटस ऑफ योर ग्रीवेंस पर हमें क्लिक करना है। क्लिक करने पर दोस्तों यहाँ पर एंटर ग्रीवेंस नंबर, ये ग्रीवेंस स्टेटस यहाँ से, और ये एंटर ग्रीवेंस नंबर, तो यहाँ पर आपको ग्रीवेंस का नंबर डालना है और फिर इसके बाद जिस नंबर से आपने शिकायत की थी मोबाइल नंबर से वो डालना है, ईमेल आईडी डालनी है और उसके बाद सबमिट बटन पर क्लिक कर देना है। उसके बाद आप अपनी शिकायत का स्टेटस देख सकेंगे। इसके अतिरिक्त प्रधानमंत्री, भारत सरकार, मुख्यमंत्री पोर्टल, उत्तर प्रदेश सरकार, बिहार सरकार, राजस्थान सरकार, हिमाचल प्रदेश सरकार, उत्तराखंड सरकार, मध्य प्रदेश सरकार, महाराष्ट्र सरकार,
को कैसे ऑनलाइन शिकायत करते हैं तथा उनकी स्थिति कैसे देखते हैं, इन सभी विषयों पर मैं वीडियो बना चुका हूं, जिनके लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। उम्मीद करता हूं दोस्तों ये वीडियो आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद आई होगी। अच्छी लगी है तो लाइक कर दीजिए, कमेंट्स कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर दीजिए, बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए, क्योंकि जो आने वाली वीडियोज़ हैं उनकी नोटिफिकेशन आपको अपने आप ही मिल जाएगी अगर आप बेल आइकन पर क्लिक करेंगे।